शराब घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका थी। जो गिरफ्तारी हुई है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, वो बिल्कुल इलीगल नहीं है, वो कानूनी तौर पर 100% सही है। इसके बाद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जी आज जो याचिका लगी थी वो केजरीवाल जी के जमानत के लिए नहीं लगी थी, वो इसलिए लगी थी क्योंकि केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। लेकिन आज जो जजमेंट आई उससे ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी। पहली, शराब घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका थी और व्यक्तिगत तरह पर पार्टी के सरगना होने के कारण भी उनकी भूमिका थी। 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स शराब घोटाले में लिए गए जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए। कोर्ट ने ईडी के सभी तथ्य सभी सबूत देखे, हवाला के लोगों का और उनके ट्रांजैक्शंस देखे, उनकी स्टेटमेंट्स देखी, अप्रूवर की स्टेटमेंट्स देखी, यहाँ तक कि खुद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का भी ये कहना था। और भी अन्य सबूत देखने के बाद उन्होंने ये कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका लिकर स्कैम में यानी शराब घोटाले में रही। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो गिरफ्तारी हुई है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, वो बिल्कुल इलीगल नहीं है, वो कानूनी तौर पर 100% सही है। इसके बाद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।